वेलकम, आई एम डॉक्टर पूनम झारान एंड आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्वास्तिक ईएनटी एंड स्किन क्लिनिक कलकत्ता। एंड आज हम बात करेंगे हेयर केयर की। जिन्हें बालों की टेंशन होती है तो हमें लगता है बालों में तेल लगाना है या नहीं, शैम्पू यूज़ करना है या नहीं, कंडीशनर कितनी बार यूज़ करें, बहुत डाउट्स रहते हैं। हमारी दादी नानी हमें कहती है बालों में तेल लगाओ, लेकिन हमारा हेयर ड्रेसर हमें कहता है गेट द स्पा डन। सो विच वन विल बी बेटर? बिफोर मेकिंग ए चॉइस लेट अस नो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे हेयर के लिए हमारी डाइट है। हेल्दी डाइट से हेयर अच्छे ग्रो होते हैं। आयरन एंड प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर ग्रोथ। आयरन रिच डाइट के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पोमोग्रेनेट, ब्रिंजल, पम्पकिन आदि रेगुलर खाने चाहिए। एंड प्रोटीन रिच डाइट के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड, पनीर, छेना हमें रेगुलर में लेना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग एग, फिश एंड लीन मीट जो होता है वह भी रेगुलर प्रोटीन डाइट के लिए ले सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी शुड ड्रिंक 2 to 3 liters ऑफ वाटर रेगुलरली फॉर गुड हेयर ग्रोथ। जब हम शैम्पू करते हैं तो हमें माइल्ड शैम्पू यूज करने चाहिए। शैम्पू जो होते हैं उनका वो पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए और शैम्पू हफ्ते में 2 बार काफी है। कंडीशनर इज गुड फॉर हेयर, इट गिव्स नरिशमेंट एंड इट मॉइस्चराइज आर हेयर एंड आफ्टर एवरी शैम्पू वी शुड यूज ए कंडीशनर। ऑयलिंग कैन बी डन, हफ्ते में 1 से 2 बार ऑयल लगाया जा सकता है। जेंटली फिंगर टिप से लाइट मसाज करके स्कैल्प में हेयर ऑयल यूज किया जा सकता है। जब बाल बहुत गीले होते हैं तब उन्हें नहीं बनाना चाहिए क्योंकि गीले बाल वल्नरेबल होते हैं और उनमें ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें जब क्लोरिनेटेड वाटर में स्विमिंग पूल वगैरह में यूज करना है तो ऑलवेज वी शुड कवर आवर हेयर विद स्विमिंग कैप ताकि हमारे बालों में डैमेज ना हो। सन डैमेज से भी बालों को बचाना चाहिए और हमें हैट या कैप यूज करना चाहिए या स्कार्फ या अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं। कभी भी बालों को बहुत टाइट खींच के नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है और आगे के बाल बहुत कमजोर होके चले जाते हैं, इसलिए लूज हेयर ही हमें बनाने चाहिए। उसके अलावा डैमेज हेयर होने पे बालों का रेगुलर ट्रिमिंग करवा लेना चाहिए जिससे कि डैमेज हेयर चले जाए। हॉट गर्म जो स्ट्रेटनिंग के लिए आयरन लगती है या हॉट ब्लो ड्राई हेयर करते हैं उससे बाल डैमेज होते हैं और वो भी हमें बालों को रेगुलर में हॉट ब्लो ड्राई या फिर स्ट्रेटनिंग यूज नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने जाना कि हेयर केयर कैसे इम्पॉर्टेंट है और आई विश कि वी ऑल कीप आवर हेयर हेल्दी। थैंक यू।